अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। व्यक्ति अपनी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष को दूर करने के लिए उस ग्रह से संबंधित कई उपाय करता है ताकि उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह अशुभ के बजाय शुभ फल देने लगे। शमी के पौधे से मिलती है शनिदेव की कृपा। वैसे तो लोग शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन शमी के पौधे की बात की कुछ खास है। शमी के पौधे को शनि का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे को घर में लगाकर व्यक्ति शनि की साढ़े साथी और इसके बुरे प्रभावों को दूर कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इस पौधे के घर में होने पर शनि देव के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा घर परिवार को मिलती है और देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। शमी का पौधा लगाने से होते हैं ये 5 फायदे। एक, मान्यता है कि शमी के पौधे को घर के मेन गेट पर दोनों तरफ लगाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दो, शनि की साढ़े साथी हो या फिर शनि ग्रह से जुड़ी कोई और पीड़ा, इसे दूर करने के लिए शमी के पौधे के सामने नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हैं तो शनिदेव इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। 3, कहा जाता है कि हर रोज सूर्यदेव की तरफ मुख करके शमी के पौधे में पानी डालने से शनि का प्रकोप कम होता है और व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं और बुरा समय दूर होने लगता है। 4, शमी का पौधा सिर्फ शनिदेव को ही प्रसन्न नहीं करता बल्कि इस पौधे से गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि गणेश जी की पूजा में हरी दूर्वा के अलावा शमी की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। 5, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी शुभ या फिर जरूरी काम के लिए घर से निकलते वक्त शमी के पौधे के प्रणाम करके निकलना चाहिए। ऐसा करने से काम में आने वाली हर बाधा दूर होती है और उस काम में सफलता मिलती है। बहरहाल, शमी के पौधे को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह पौधा जिस घर में होता है उस घर परिवार के सदस्यों पर आने वाले संकटों का संकेत यह पौधा पहले ही दे देता है। इसलिए अगर आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो फिर अपने घर में शमी का पौधा जरूर लगाएं।